जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी जमानत जब्त हो रही है। कम से कम 7 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, सीट के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। 40 के टेम्परेचर में लोग देखो। हमारे को ऐसा लगता है दिल्ली में सबसे भारी जीत हमारी सीट पे होगी। क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नामांकन की डेट जो है, नामांकन भरने के लिए बीजेपी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी अंदर गए हुए हैं। लगातार युवा मोर्चा का जोश जो है वो देखते हुए बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सब कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस तक पहुंचे हैं। योगेंद्र चंडालिया सीट पे, 454 ईट पे। इतना भरोसा क्यों है बीजेपी को उत्तरी पश्चिमी? इसलिए क्योंकि योगेंद्र चंदोलिया जी पूर्व बहुमत से जीत रहे हैं और सामने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। इस बार भारतीय जनता हो गई है। क्या कहेंगे अनिता? बिल्कुल, जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी जमानत जब्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी योगेंद्र चंदोलिया जी कम से कम 7 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। उत्तर पश्चिम से आई आवाज, योगेंद्र चंदोलिया आपकी बात। फिर एक बार मोदी सरकार। भरोसा जो है वो देखते बन रहा है, जोश जो है वो देखते बन रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं भारी मतों से जीत है, सबकी जमानत जबत है। भारत में रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी सीट के ऊपर। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी जो है वो बात उत्तरी पश्चिमी दिल्ली प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बातचीत जो है वो करेंगे। ये युवा मोर्चा और तमाम कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस के बाहर कंझावला वहाँ पहुंचे हैं। लोग जो है वर्षों से यहाँ पे नाच रहे हैं। जी जी, आज योगेंद्र चंदोलिया जी का जो नवरिशा का रोड शो निकला है, 40 के टेम्परेचर में लोग देखो कैसे अपने लोग उनके कार्यकर्ता पूरा जोश है। 50 का टेम्परेचर है, यही जोश करेगा। और इतना बढ़िया दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट जीतेंगे चंदोलिया जी, दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट जीतेंगे, रिकॉर्ड कायम करेंगे, इतने अच्छे वोट जीतेंगे। कितना कंपटीशन लग रहा है, कितना मुकाबला जो है वो कड़ा है। हमारे को ऐसा लगता है दिल्ली में सबसे भारी जीत हमारी सीट पे होगी, इससे बड़ी कोई सीट नहीं होगी। योगेंद्र चंदोलिया जी की सीट जो हमारी नॉर्थ वेस्ट की है, इससे बड़ी जीत किसी सीट पे नहीं है। पूरी दिल्ली में पूरा उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में, इतना जो नॉर्थ वेस्ट की सीट में है उत्साह, इतना पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं है। आज हमारे युवाओं में और वृद्धों में, बहनों में, भाइयों में सब इतना जोश है जो मोदी जी की सरकार के अंदर इस सीट पे है कहीं भी नहीं है। निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो आपने देखा कि कितना आज जन सैलाब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर पश्चिमी लोकसभा से, हम तो ये कहेंगे कि सांसद प्रत्याशी ना कह के सांसद ही है। और कितना प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई नहीं है चक्कर, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इनके अध्यक्ष, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ से हमारे जो पूर्व में विधायक थे वो राजकुमार चौहान, वो इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस तो अलग अलग विभागों में बट गई है और कोई नहीं है इसमें अब की बार टक्कर में। लेकिन उदित राज पहले भी सांसद रह चुके हैं इस सीट। उदित राज जब बीजेपी के सीट पे कैंडिडेट थे तो जनता ने इसीलिए उनको स्नेह और प्यार देके जिताया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि उदित राज जी कैसे सनातन धर्म के विरोध में भाषणबाजी कर रहे हैं और लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं, लोग अपने आप उनका बहिष्कार कर रहे हैं। अभी देखा कि जहां भी उदित राज बिना बुलाए जाते हैं, लेकिन वहां पर लोग एक माला तक नहीं पहनाते, क्योंकि पूरा गुस्सा है लोगों में, क्योंकि एक सनातन विरोधी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।